किस तरह की बॉडी लड़कियां पसंद करती है? ऑब्वियसली फिट तो रहना चाहिए। आपके बॉयफ्रेंड होने के लिए क्या उनको मतलब जिम जाना नेसेसरी है या एक्सपेक्टेशन ना, व्हाट आई फील कि उम्र के साथ हम लोगों का बढ़ता है, पता नहीं, आई डोंट नो, नथिंग लाइक दैट। क्यों रहा है मुझे क्या बता। हाय, मैं हूँ शाहीन, आपकी होस्ट, और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप इंडिया में। आज हम जानेंगे लड़कियाँ किस तरह की बॉडी पसंद करती हैं। जैसे कि लड़कों में भी होता है कि उनको एकदम 36 चाहिए, तो वैसे ही लड़कियों को किस तरह की बॉडी चाहिए, किस तरह की बॉडी पसंद होता है उनके बॉयफ्रेंड में, वो हम जानेंगे। और एक लड़की किससे इम्प्रेस हो जाती है, लड़कियों के बिहेवियर से या नेचर से या केयरिंग से, वो भी हम जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कम। लड़कियों को लड़कों की कौन से बॉडी पार्ट ज़्यादा मतलब बॉडी टाइप ज़्यादा पसंद है बॉयफ्रेंड बनाने के लिए? बॉयफ्रेंड बनाने के लिए आई वर्क आउट, सो आई फील गाइज शुड बी फिट। मेरा 7 ईयर्स का रिलेशनशिप था, और 7 ईयर्स के रिलेशनशिप के बाद जस्ट न्यूली आई हैव गॉट मैरिड, तो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो 7 साल के रिलेशनशिप में व्हेन आई गेट गॉट इनटू दिस रिलेशनशिप, तब हम लोग बहुत ही छोटे थे, लाइक एकदम कॉलेज में तब आए हैं, तब कॉलेज अभी देखिए अभी जैसे हम लोगों का थोड़ा मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया है, तब एकदम ही इमैच्योर थे। तब भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि हाँ मेरे बॉयफ्रेंड का ऐसा फिजिक होना चाहिए। वो मेरा जो बॉयफ्रेंड था बहुत ही पतला सा था, अभी उसका भी फिजिक्स अच्छा है, ठीक ठाक है। दे शुड बी फिट एंड मसल्स होना ही ज़्यादा, हम लोग दे शुड बी फिट। आई थिंक वैसे ही होनी चाहिए जैसे मतलब यू आर कम्फर्टेबल इन वट एवर, लाइक वट एवर साइज और शेप यू आर इन, आई थिंक वही ठीक है। एक्चुअली आई विल नॉट गो ऑन बॉडी बिकॉज इट विल बी बिकम देन बॉडी शेमिंग ऑब्वियसली, क्योंकि वो लड़कों की करो या लड़की की, आई मीन इफ अगर कोई लड़की की करे कि उसके बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो वी विल ऑब्वियसली गेट ऑफेंसिव। तो एक लड़के के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फिर भी एक तो चॉइस होना चाहिए ना कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा हो वैसा हो, बॉडी उसका ऐसा हो। आई मीन नॉट दैट माथो टाइप्स, लाइक इट शुड बी नॉर्मल इनफ, लाइक फिर भी कैसे, नॉट दैट, नॉट टू मच आर्टिफिशियल, लाइक नॉर्मल जैसा होता है, आई मीन इट शुड नॉट लुक आर्टिफिशियल, एटलीस्ट नॉट दैट टिपिकल जिम टाइप ऑफ बॉडीज, आप नेचुरल बॉडी, नॉट टू मच ऑफ बिल्ट अप और टू स्किनी, नॉर्मल टॉल एंड नो मसल्स। सी आई डोंट रियली लाइक दोज मस्क्यूलर टाइप ऑफ गाइज, आई लाइक नॉर्मल विद स्मैसिकी बाइसेप्स इज फाइन, बट नॉट दोज बैक्स एंड ऑल, आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड अबाउट। एक्चुअली दिल अच्छा होना चाहिए, बॉडी से क्या हो गया, एट द एंड ऑफ द डे लव मैटर्स। या सो हाँ, लेकिन सवाल तो बॉडी रिलेटेड है ना, जी कैसे बॉडी आप पसंद करते हो, कैसा होना चाहिए लड़कों में बॉडी, तुमको कैसा चाहिए, इतना फैंटेसी एब्स या मसल एब्स, कितने एब्स चाहिए? 6 अलाउ इट टू मच, मैं 2 एब्स से खुश हो सकती हूँ। फॉर मी इट मैटर्स लाइक ही शुड बी टॉल एंड हैंडसम, लाइक इट्स नॉट वेरी थिन, ही शुड नॉट बी विद अ 6 पैक्स, बट या ही शुड बी विद अ मिडिल एवरेज बॉडी। मैं जो मैंने तभी देखा है कि कंपैटिबिलिटी मैच हो रहा है कि नहीं, और कि हाँ मेरे साथ एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। हाँ, मैं ऐसा तो नहीं चाहूँगी कि पूरा मतलब मोटू सा एकदम हाथी सा हो, वो कभी मैं नहीं चाहूँगी, पर हाँ एकदम 6 पैक्स ऐप एकदम ऋतिक रोशन होना पड़ेगा, या उसको टाइगर श्रॉफ की तरह डांस करना होगा, ये सब कुछ मैंने कभी डिमांड नहीं दिया था। हाँ ठीक ठाक चलता फिरता सा एकदम ठीक ठाक एक बंदा हो जिसका 2 हाथ 2 पैर एकदम ठीक ठाक सा एक फिजिक हो, ऐसा ही। ज़्यादा मस्कुलर ना हो, बस स्लिम। हाँ स्लिम एंड लड़का वो भी स्लिम, या जैसे कि 0 साइज, नो नॉट 0 साइज, परफेक्ट फिगर। आई वुड ऑलवेज से कि लाइक एज फार एज अ गर्ल इज कंसर्न, द गर्ल्स ऑलवेज थिंक कि इफ दे हैव एन आर ग्लास फिगर, यू नो दैट स्पेसिफिक थिंग दैट इज देयर, देन एनी बॉय वुड फॉल फॉर इट, बट ऐसा नहीं है, यू नो ऑल द गाइज डोंट जस्ट गो फॉर लुक्स, सम पीपल रियली विश यू नो दैट गर्ल्स डू हैव अ नाइस हार्ट, तो दैट्स द थिंग, एंड प्रायोरिटीज तो फिर वेरी करते हैं, किसी को कोई हॉट चाहिए, किसी को क्यूट चाहिए, तो दैट वेरीज, मेरे लिए इट्स ऑलवेज द हार्ट। अच्छा, किसी का बॉयफ्रेंड बनने के लिए क्या उस लड़के को जिम जाना चाहिए, मतलब ज़रूरी है? नहीं, नो, ऑब्वियसली नो, फिटनेस फ्रीक तो होना चाहिए, वैसे उसको जिम जाना चाहिए, जाना चाहिए, यू शुड, फॉर गेटिंग फिट वी शुड गो। हर एक लड़कियाँ यही चाहती है कि उनकी बॉयफ्रेंड जिम जाए, हर एक लड़कियों का नहीं बोल सकती मैं, बट परसेंटेज 50% एटमोस्ट।
जरूरी नहीं, शी जस्ट सेड मैं जिम करती हूँ तो आई वुड प्रिफर माई बॉयफ्रेंड टू स्पेंड टाइम विद मी इन द जिम बिकॉज आई एम गुड एट इट, तो मैं उसका बुद्धू बना सकती हूँ वहाँ पे, आई एम लाइक आई एम बेटर देन यू एंड स्टफ। नहीं वो तो नहीं जाता है, ना कभी जाता था ना भी ना भी जाता है। आप क्या चाहते हो कि वो जाए या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए जिम जाना आई थिंक जरूरी है कि अगर उसको अपना फिजिकल फिटनेस बढ़ाना है तो इट्स अप टू हिम कि वो अपना फिजिकल फिटनेस फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहता है कि नहीं, इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। मीन इट्स लाइक इफ एवर आई हैव अ बॉयफ्रेंड इट विल बी अप टू हिम इफ ही वांट्स टू गो टू द जिम और नॉट, लाइक इट्स हिज के ऊपर डिपेंड करता है। आई हैव नो सच इश्यूज, नो कंपल्शन। सेम मुझे नहीं लगता, बस फिट रहना चाहिए, पर उसके लिए जिम जाना ज़रूरी है ऐसा कुछ नहीं। प्यार होना चाहिए, स्टार्टिंग में टाइम देना चाहिए, जिम में भी टाइम देना चाहिए, इनसिक्योर हो जाएगा ना। अगर फिट रहने के लिए जिम जाना है तो जाओ, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हाँ इट्स हिज चॉइस बेसिकली, या कंपलसरी नहीं है। नहीं कंपलसरी नहीं है फॉर मी, इट्स नॉट नेसेसरी कि उसे फिर जिम जाना चाहिए, बट या ही वॉन्ट्स टू बी फिट सो ही कैन गो, बट फॉर बींग फिट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जिम ही जाना चाहिए। ही कैन मेंटेन हिज लाइक बॉडी कॉन्शियसनेस विथ लाइक बाय डूइंग नॉर्मल जॉगिंग्स और बाय ईटिंग प्रॉपर फूड्स एंड ऑन डाइट, सो ही कैन मेंटेन दैट, इट्स नॉट नेसेसरी टू गो जिम। आप जाते हो? मैं जाना पसंद करती हूँ बट मैं जा रही थी, अब मैंने बीच में थोड़ा छोड़ दिया, आई विल जॉइन अगेन। तो फिर आपके बॉयफ्रेंड को तो मतलब आपके बॉयफ्रेंड होने के लिए उनको तो जाना पड़ेगा ना? हाँ जाना तो पड़ेगा। ओके क्यों? से अगर एक बात ये भी है कि हम अगर साथ में जाते हैं तो वो एक वर्कआउट बड़ी एक वैसा भी हो जाता है ना, तो यू विल फील मोर मोटिवेटेड एंड ऑल, तो एक साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली पॉजिटिव टाइम एक्चुअली जिम में। Exactly. अच्छा जैसे कि किसी को कोई आपको पसंद करता है, आप भी थोड़े बहुत पसंद करते हो उनको, वो क्या करे जिससे आप मतलब उनको ज़्यादा पसंद करने लगो या एकदम वो आपको पटा ले? पता नहीं, पता होना चाहिए। सच में नहीं पता है। बी रियल, नौटंकी करने का जरूरत नहीं है, स्ट्रेट बता दिखाओ, सिंपल जो हो वो देखो। वो क्या करे मतलब कि आपके लिए क्या स्पेशल करे जिससे आप आई लाइक यू, बस आई लाइक यू टू, इससे ही आप इम्प्रेस हो जाओगे? दैट इज इम्प्रेसिव, ये फ्लावर्स और रिंग ये सब दिखावा है, बॉलीवुड थिंग्स, वो कुछ रियलिटी में नहीं। शाहरुख खान सो थोड़ा बहुत इज ओके, लाइक फ्लावर्स चॉकलेट्स एवरी गर्ल लव्स इट, सो इट्स लाइक क्यूट बात बट हाँ बाद में पहले कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके बाद। या बी कूल, बी फ्रैंक, सामने आओ, बी ओपन। आई विल से कि उसको वो जैसा वो दिखाना चाहिए कि आप इम्प्रेस हो जाओगे, जैसे कि लफंगा हो तो वो अपना चिचोड़ापंती दिखाएंगे तो आप उसे पसंद कर लोगे? देखिए अगर वो लफंगा होगा तो इन फर्स्ट प्लेस मैं उसे पसंद ही नहीं करूँगी एट फर्स्ट, ऑब्वियसली वो अगर मुझे अप्रोच भी करेगा एंड आई नो कि वो लफंगा है तो मैं क्यों उसके साथ उसे लाइक भी करूँगी इवन। आगे बढ़ने के लिए बात आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? दिखाना पड़ेगा ना दैट ही इज़ केयरिंग मी, ही इज़ विथ मी, लाइक हर वक्त मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरा ख्याल रख रहा है, सो दैट आई फील स्पेशल। उसको कुकिंग आना चाहिए और अगर बना के देगा तो आप इम्प्रेस हो जा सकता है, आई मीन चांसेस है, मतलब चांसेस बढ़ जाएगा कुक से, 20% चांस हो सकता है। और 80% कैसे होगा पता नहीं, वो ऑन सिचुएशन डिपेंड करता है। ही शुड बी केयरिंग एंड ही शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, दैट मच इज इनफ। देखिए आई लव म्यूजिक स्पेशली रविंद्र संगीत आई लाइक वेरी मच एंड आई लव गिटार ऑल्सो। अगर मुझे कोई अच्छा वाला लड़का आके ऐसे मेरे पसंद का गाना ऐसे गिटार बजा के चले, और मुझे गंगा के घाट बहुत पसंद है, जैसे प्रिंसेप घाट ये सब मुझे बहुत पसंद है, तो ये सब जगह में मुझे अगर ऑफर करा चलो घूमने जाते हैं। फिर आपका हस्बैंड का पत्ता कट? नहीं नहीं अभी तो ऑप्शन है, इसलिए मैं बोला अभी ऑप्शन नहीं है, पर अभी अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं यही प्रेफर करती। मेरे लिए कोई मटेरियल चीज़ें नहीं, मेरे लिए डिपेंड करता है कि वो पहले आके अप्रोच करे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड सेकेंडली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर मुझे उसका कोई एक्शन लगे कि वो जेन्युइन है तो फिर दैट इज़ ऑल। आप? आई थिंक ही शुड बी एबल टू कन्वर्स प्रॉपरली, लाइक कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना मत नहीं, आई मीन वो अगर डायरेक्टली अप्रोच करता है आई थिंक इट्स द बेस्ट वे फॉर एनी गर्ल इफ समवन कम्स एंड अप्रोच डायरेक्टली। मुझे लगता है कि उसका केयरिंग साइड और जो रिस्पॉन्सिबल साइड है, अगर उसका कोई प्रूफ मुझे मिल जाए तो शायद मैं इम्प्रेस हो जाऊँगी। आई थिंक ऑनेस्ट रहना चाहिए, ये करना क्या चाहिए? ऑनेस्ट तो वो अंदर से होता है, लेकिन उसको क्या, आपको इम्प्रेस करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? वे कुछ ऐसा करना चाहिए
अगर किसी को पसंद करते हो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ आउट ऑफ द वे करो तभी पसंद आएगा। अटेंशन, बहुत ज़्यादा वाला अटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट फील कराना होगा, और मुझे सॉफ्ट टॉयज गिफ्ट करने होंगे फिर आप इम्प्रेस हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल 100 स्वीट आंसर। देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी को भी लाइक वी एज ह्यूमन बींग्स वी ऑलवेज एन्जॉय बींग मेड फील स्पेशल यू नो, तो किसी को भी कोई भी मतलब छोटा छोटा चीज़ जो होता है यू नो द स्मॉल थिंग्स दे ऑलवेज मैटर अ लॉट। तो जैसे कि जैसे इफ समवन सेज यू नो आई रियली लाइक डम्पलिंग्स, तो सपोज उसका बर्थडे आ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है, सो गिविंग हर अ सरप्राइज यू नो सेइंग कि चलो आज हम लोग इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, वील जस्ट हैव डम्पलिंग्स द टू ऑफ अस एंड वील एन्जॉय ऐसे करके, या यू नो समवन लाइक्स डिजर्ट्स तो सी व्हाट आई अगर घर पे बना सकते हैं, इफ आई कैन कुक देन आई विल कुक अ ब्राउनी, ये देखो मैंने बनाया, तो दीज आर द यू नो सटल वेज। मतलब आप इस तरह से उनको यू मीन समथिंग टू मी वो दिखाना यू नो कि हाँ तुम इम्पोर्टेंट हो, तो ये जब चीज़ें आने लगती हैं छोटी छोटी चीज़ें तो फिर अगले वाले को भी सामने में समझ आता है हाँ हाँ ये बंदा तो मेरे लिए केयर कर रहा है। आप ऐसे इम्प्रेस करो। हाँ मेरे ऐसे अच्छा आंसर। सबको फिट चाहिए, किसी को अनफिट बंदा नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट में बताइए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में प्लीज़ बताइए कि इम्प्रेस करने के क्या करना चाहिए एक लड़के को। ओके और सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय। हिट द रेड सब्सक्राइब बटन बिलो एंड देन प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड ईच टाइम वी अपलोड अ न्यू वीडियो एंड नेवर मिस टू से व्हाट्सएप।